मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार समाजवादी पार्टी और यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं। समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आजादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे, जिन लोगों के 2019 में वोटर लिस्ट में नाम थे उन्होंने वोट डाला था लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे, उनके बकायदा एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी आरओ या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। हमारे बीएनएस जो एजेंट्स हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हमारी लीडरशिप उनको समय समय पर गाइड करेगी। इसी के लिए बैठक बुलाई गई।